बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है, जिंदगी बहुत कीमती है इसे संभाल के रख, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी राम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलास डीएम कार्यालय के सामने खुले रहती हैं होटलें एवं किराना दुकान। दुकानदार से पूछने पर उन्होंने बताया कि एसडीएम कार्यालय के बाबू ने हमें खोलने के लिए मौखिक रूप से परमिशन दिया है, लेकिन धारा 144 और जिले में लॉकडाउन का खुलेआम किया जा रहा है उल्लंघन। देखिए किस तरह से पूरे विश्व में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है और इसके बचाव के लिए शासन प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी तरीके से जोर लगाकर काम कर रहे हैं और शासन द्वारा जिले में धारा 144 भी लागू कर दिया गया है, जिसके बावजूद भी बिलासपुर जिले के बिलाक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पत्थरखान के पत्थरखान भाटा मोहल्ला, जहाँ पर एसडीएम एवं तहसीलदार कार्यालय स्थापित है, जिसके जस्ट सामने यादव होटल एवं किराना दुकान है जो निर्धारित समय से भी अधिक समय पर खोला जाता है। शासन ने सुबह 7 बजे से 12 बजे तक का आवश्यक सामग्री वाले दुकानों को खोलने के लिए आदेशित किया है, लेकिन यहाँ पर एसडीएम एवं तहसील कार्यालय के सामने ही धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जहाँ पर ग्राम पंचायत पत्थरखान भाटा के कुछ जनप्रतिनिधि भी दुकान खुले देखकर भी वहाँ पर बैठे रहे, जिसके बाद दुकानदार से पूछा गया कि निर्धारित समय 12 बजे तक है, आपने शाम 5 बजे तक कैसे दुकान खोल रखा है। तब उन्होंने बताया कि एसडीएम ऑफिस के बाबू ने हमको खोलने के लिए बोला है, इस कारण दुकान खोले हैं, जिसके पश्चात थाना और एसडीएम कार्यालय की दूरी 200 से 300 मीटर है। उसी बीच एसडीएम कार्यालय और थाने के बीच 100 से 150 मीटर की दूरी पर लोग इकट्ठा होकर मेन रोड के किनारे 52 पत्ती का मजा ले रहे थे, जिसकी कुछ वीडियो हमने अपने मोबाइल पर कैद कर लिया और वीडियो करते समय वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने दौड़ते हुए आकर मना कर दिया, इस कारण पूरा वीडियो नहीं बना पाए। नहीं तो अंदर से दे सकता था। मैं नाम ना मैं नहीं जाना, मैं कह के नाम ले चपरासी मन कहोगे बेटिया। अरे नहीं, मैं अभी चुहा वहाँ ना दे सकता, चपरासी मन कहत ना सीधा महीना दिन हो गई से मतलब यहाँ चपरासी मतलब पहचान था जो के है खोले बरते मैं उन बताऊँ मन तो चल दे नहीं पहचान था कि नहीं पहचान है का नहीं बता दू कहीं तक तो डेली खुला रही नहीं खुला भैया डेली महीना दिन हो गया आज खुले अभी मुसा मैं कहते हैं साफ सफाई कर लेना तहे तब फिर मतलब उनके खेत कुछ देर हां कुछ ना नहीं मैं आज खुले है वा 15 दिन महीना दिन हो गया पहले तो मैं मसाज खत्म हुई से ना दादा साफ सफाई आज करे हूं अब ऐसे साफ खुले नहीं से नहीं खुला तहे मैं। वही बिलास क्षेत्र के ही ग्राम पंचायत विटपुली में मेन रोड में लगी तालाब पर भारी संख्या में लोग मछली मारते हुए नजर आए। वहां के सरपंच से बात करने पर बार बार बुनियादी कराए जाने की बात कही गई, लेकिन यहां के लोग बातों को नहीं मानते हैं, जिसकी सूचना मैंने बिलास टीआई प्रवीण राजपूत को दे दिया है। नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम विश्वनाथ कौशिक। कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत विटपुली का सरपंच। कौन से पद में है आप? सरपंच। अच्छा, अभी 144 धारा लगा हुआ है ना, तो अभी अपन देखे हैं आपके ग्राम पंचायत में यहाँ तालाब के पास भीड़ लगा हुआ था, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में तो रोज़ मुनादी हो रहा है, आज मैं स्वयं सुबह कोटवार के माध्यम से भी मुनादी करवाया हूँ, बार बार मुनादी करवाने के बाद भी ये लोग नहीं मानते। अच्छा, ग्राम पंचायत में क्या क्या और मतलब सुविधा दे रहे हैं आप? ग्राम पंचायत में सुविधा है, जिसको खाने के लिए उसको चावल दिए हैं 5-5 किलो, दाल 1 किलो के हिसाब से है ना, मास्क बांटे हैं, गाँव को सैनिटाइज किए हैं, है ना, ये तो किए हैं। अच्छा, अभी जैसे ये धारा लगा हुआ है तो इसमें शासन द्वारा आपके ग्राम पंचायत के लिए क्या निर्देश है? ग्राम पंचायत के भी निर्देश है, भीड़ में नहीं रहना है, घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है, ये वाला निर्देश है। जो भी बाहर जाना है तो बार बार बुनियादी करने के बाद भी ये नहीं मान रहे, उसके लिए आप क्या कदम उठाए हैं आगे? अब इनके लिए वही 112 बुला नहीं पड़ेगा तो इसका निगरानी समिति बना यहाँ? हाँ सर, समिति तो बना है। तो निगरानी समिति वाले यहाँ पर ध्यान देते हैं? अरे नहीं देते, समिति वाले कहाँ ध्यान देते हैं, कुछ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं समिति वाले, तो दो चार आते हैं बस।
अब देखने वाली बात यह होगी कि बिलहा एसडीएम कार्यालय के सामने धारा 144 का उल्लंघन करने वाले यादव होटल और किराना दुकान एसडीएम कार्यालय से 100 से 150 मीटर दूरी, पुलिस स्टेशन से 100 से 150 मीटर की दूरी पर पावन बत्ती का मजा ले रहे इन व्यक्तियों व ग्राम पंचायत बिटकुली में भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर मछली मारने वालों के ऊपर शासन प्रशासन किस प्रकार से और कब तक कार्रवाई करती है। बिलहा से मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रामचाजर।